और ये पूछ रहे हैं कि वीडियो बनाना सिखाओ हमको भी, वीडियो कैसे बनाते हैं। तो सब ऑन कैमरा होगा, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अब बोलो कैमरा में ही बोलो। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक और वीडियो में। अभी की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं जाने वाला हूं एक बाइक ख़रीदने के लिए। मतलब मुझे खबर मिली है कि कोई एक बाइक बेचने वाला है जो कवाड़ी में पड़ा हुआ है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदगी में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत दिनों से चलाया नहीं गया है। तो मुझे पता चला कि कोई गाड़ी है वहाँ पर, और वो आदमी से जस्ट मैं मिला जिसकी गाड़ी, उनसे भी मिला, तो वो कह रहे हैं कि आके तुम गाड़ी देख लो। तो मैं जाऊँगा अभी थोड़ी देर में बाइक मतलब देखने के लिए जहाँ से मुझे बाइक लेना है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने जो बाइक पहले लिया था उसको सेल कर दिया है, वो गाड़ी अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो दूसरी गाड़ी लेने के लिए मैं हर तरफ ढूंढ रहा हूँ, तो एक पता चला है तो अभी मैं वहाँ देखने जाऊँगा। फिलहाल इस गाड़ी को आप देख लीजिए, ये गाड़ी देख सकते हैं, इसका अभी मैंने काम किया है, इसकी फुल सर्विसिंग की है। इसका जो वीडियो है वो मेरे मिस्टर जियाउद्दीन चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी का क्या करना है कि गाड़ी तो कंप्लीट हो गई है, अभी इस गाड़ी को क्या करना है, डिलीवर करना है, ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर है उनका कहना है कि थोड़ा सा दूर में रहता है, तो बोल रहा है कि हम अभी आ नहीं सकते, मेरा थोड़ा सा कोई रीज़न है, तो इसी कारण से आपको ख़ुद को डिलीवर करना पड़ेगा दे करके। और थोड़ा सा उनसे रिव्यू ले लेंगे हम कि वो क्या कहते हैं, कैसा उनका काम रहा, और वो जो गाड़ी रिपेयर करने के लिए दी है उसको सही लगा कि नहीं लगा, आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जो है ना स्टेशन साइड में एक गांव है पालोडंगा बोल के, हमको वहां जाना है गाड़ी देखने के लिए, जो गाड़ी मैंने बताया अभी आपको कि जो गाड़ी ख़राब है और जिसको मुझे बाई करना है उसको देखने के लिए जाना है। तो फिलहाल इसको देने चलते हैं, बाकी का आपका आपको बताते हैं कि कहाँ देने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देंगे कि हम किस एरिया में जा रहे हैं, बाकी चलते हैं। तो दोस्तों मेरा जो वो वाला बाइक था, सेकंड बाइक था, मैंने आपको बताया कि मेरा स्टाफ लेकर के जाएगा, उसमें क्या है कि अभी पंक्चर हो गई है गाड़ी, उन लोगों को मैंने बताया था कि पंक्चर बना दो पहले ही, लेकिन पंक्चर बनाया था फिर भी पंक्चर हो गया, पता नहीं कैसे बनाता है। तो अभी बस निकल गए हैं, जा रहे हैं गाड़ी पहुँचाने के लिए, गाड़ी वाले से बात हो गई है, वो भी आगे बढ़ के आया हुआ है, और फिर हमको अब यही करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा होता कि मैं अपनी गाड़ी लेकर के जाता और मैं अपनी गाड़ी में वापस आ जाता, गाड़ी वाले को नहीं आना पड़ता, अभी क्या है कि गाड़ी वाले को भी साथ में आना पड़ेगा, फिर मुझे उनको छोड़ना पड़ेगा, तो आगे छोड़ेंगे फिर देखते हैं। बाकी का कुछ ये व्यू है हमारे यहाँ का, थोड़ा सा एंजॉय करिए फिर आपको आगे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी तो जा ही रहे हैं, रास्ते में है, और इसी टाइम क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसका जो शीशा है ना वो लूज़ हो गया हुआ है, ठीक है, शीशा लूज़ हो गया, मतलब ऐसे मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा, अरे एक हाथ से हो भी नहीं रहा है, अभी सही जगह पे आया जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये एक्चुअली लूज़ हो गया है, तो इसको थोड़ा टाइट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, सिल्वर है अभी, उसको उसका दुकान जस्ट यहीं पर है, तो उसके दुकान पे जाके थोड़ा सा इसको टाइट करवा लेंगे, ठीक है। उसको टाइट करवाने के बाद क्या होता है कि फिर गाड़ी वाले को गाड़ी डिलीवर करेंगे, वरना क्या होगा ना कि गाड़ी वाले को फिर थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, यार इतना सब काम किए और एक शीशा लूज़ छोड़ दिए, इसी कारण से चलिए सामने में, मुझे इधर जाना था लेकिन अभी इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको शीशा को टाइट करा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और गाड़ी वाले के साथ में, ठीक है, जब गाड़ी वाले को गाड़ी डिलीवर करेंगे तब आपसे जाके मिलते हैं बाद में। फिलहाल के लिए देख सकते हैं ये इतना लूज़ हो चुका है, अभी अपना जगह छोड़ दिया आपको दिख रहा होगा, तो चलिए चलते हैं उनसे पहले मिल लेते हैं और शीशा को टाइट कर लेते हैं। अरे बाप, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, पूरा बन ठन के कहाँ जा रहे हैं, बैठे हैं सर दुकान, मतलब ज़्यादा बन ठन के बैठे हैं ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, बैठेंगे नहीं सर, हम जा रहे थे गाड़ी डिलीवर करने के लिए, शीशा लूज हो गया, थोड़ा टाइट कर दीजिए सर, टाइट कर दे। चलिए दोस्तों जब आ गए तो थोड़ा सा बैठने के लिए बोल रहा है तो मुलाकात कर ही लेते हैं, सब ठीक है, सब ऑन कैमरा होगा, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, अब बोलो कैमरा में ही बोलो, क्या बोलेंगे ऐसे ज़्यादा बोल रहे क्या, नहीं मुझे लग रहा है क्योंकि इसलिए मैं मुझे डर लगता है भाई, इसलिए कैमरा ऑन करके रखे है। तो दोस्तों पता है ये है ना कि अभी कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलेगा, इतना तो पता है, वरना ऐसे तो मेरा बहुत ज़्यादा सा ही, मतलब ऐसा लगता है कि साला सिर्फ मारता नहीं है, समझे, बहुत तरह की बातें कर देता है, तो इसी कारण से अभी कैमरा ऑन रखे हैं, अब जो भी होगा मारना होगा, बेइज्जती करना होगा, जब जो भी आप ही के सामने होगा, नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं ना,
बाकी ये शीशा यहाँ पर टाइट हो रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ मुलाकात हो गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि वीडियो बनाना सिखाओ हमको भी, वीडियो कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल यही जगह था जहाँ हमको आना था, जहाँ का एड्रेस मिला था। मैं यहाँ गाड़ी डिलीवर करने के लिए आ गया, लेकिन बंदा जो है ना आगे बढ़ गया है, बोल रहा है कि बागीचे में है, आम का बागीचा में। तो अभी हमको फिर वहाँ जाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आगे गया हुआ है। फिलहाल इनसे थोड़ा सा बात कर रहे थे और अभी चलते हैं गाड़ी लेकर। ठीक है डॉक्टर साहब, बस यही सब वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में। चलते हैं, वो उस जगह पे जाना पड़ेगा फिर, रिटर्न डबल मेहनत हो गया। हाँ नहीं, पैसा नहीं, मनोरंजन के लिए बनाते हैं, अच्छा लगता है। ये जो डॉक्टर साहब जिनको मैं बोला ना, ये मेरा पहले कस्टमर था, अभी तो फिलहाल मेरा दुकान ही नहीं देखे। अभी हमको पूछ रहे थे कि दुकान कहाँ लेकर के गए हो अभी, तो अभी हम इनको बताए जो अभी मेरा दुकान घर पर है, तो उस हिसाब से अभी मैं बात किया इनसे। बाकी आगे चलते हैं, उस किस बागीचे में है वो, उनसे मिलते हैं जाकर। देख सकते हैं दोस्तों वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। अरे बाप, इतना दूर, इतना दूर आगे से जा। चलाइए चलाइए चलाइए, छुड़वा देना। हाँ हम घर तक चले गए थे, पता है क्या खबर चाहिए? चले बोलो ना, उठा सकते चले तो बोलो ना। तो दोस्तों अभी क्या था ना कि तभी जो है ना इनको गाड़ी जो डिलीवर करने गए थे, तो पहले फ़ोन में बात हुआ कि यहाँ आइए, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चल गया था, मुझे एक्चुअली लोकेशन का पता नहीं चला था। तो अब मैंने आपको दिखा दिया कि ये कहाँ मिले हैं, बाकी इनसे थोड़ा सा रिव्यू मैंने आपको बताया था कि रिव्यू लेना है, कैसा लगा थोड़ा बता दीजिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, गाड़ी का बहुत अच्छा माइलेज वगैरह जो भी था इसमें बहुत अच्छा, इसको सर्विसिंग करा गया, उसके चलाने में बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। कंफर्टेबल फील हो रहा है ना, जो आप कंडीशन में दिए उससे बेटर हुआ है कि नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। चलिए ठीक ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, बाकी का आपने देख लिया है, फिर मिलते हैं। अभी जो गाड़ी जो बाय करने जाएंगे हम, उसको थोड़ा सा देखने के लिए वो वाला सीन आपको दिखाते हैं, बाकी चलते हैं मिलते हैं आगे वाले सीन में। नया गाड़ी ली।